आते बड़े धूम से गणपति जी, जाते बड़े धूम से गणपति जी, आखिर सबसे पहले आकर हमारे दिलों में बस जाते हैं गणपति जी। तो चलिए शुरू करते हैं भगवान गणेश के कुछ रोचक तथ्य। एक बार की बात है जब महादेव माता पार्वती के साथ नर्मदा नदी के तट पर गए थे, तभी माता पार्वती ने एक सुंदर स्थान पर महादेव से चौपड़ खेलने की इच्छा जताई। महादेव ने कहा कि हमारी हार जीत का फैसला कौन करेगा। उसी समय माता पार्वती ने घास के तिनके को इकट्ठा करके एक पुतला बना दिया और उस पुतले के अंदर प्राण डाल दिए। उसके बाद माता पार्वती ने उस पुतले से कहा कि बेटा, हम चौपड़ खेलने जा रहे हैं, लेकिन हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है, तो तुम खेल के अंत में बताना कि हम में से कौन हारा और कौन जीता। खेल शुरू हुआ और इत्तेफाक से तीनों बार माता पार्वती जी ही जीती, लेकिन आखिर में बालक से हार जीत के बारे में पूछा गया तो उस बालक ने महादेव को विजय घोषित कर दिया। तभी माँ पार्वती शिव जी से और उस बालक से क्रोधित हो गई और फिर पार्वती जी ने उस बालक को एक पैर पर खड़ा होने के लिए कहा तो वह कीचड़ में गिर गया। उसी समय माता पार्वती ने उसे दुख भोगने का श्राप दे दिया। बालक डर गया और विनम्रता पूर्वक कहा कि माँ, मुझसे अज्ञानवश ऐसा हो गया, मैंने किसी कुटिलता और द्वेष के कारण ऐसा नहीं किया, मुझे क्षमा करें और मुझे श्राप से मुक्त होने का उपाय भी बताएं। माता को उस पर दया आ गई। फिर माता बोली, देखो बालक, यहाँ नाग कन्याएं गणेश पूजन के लिए आएंगी, तो तुम उनके उपदेश से गणेश व्रत करके मुझे प्राप्त कर सकते हो। बस इतना कहकर माँ पार्वती वहाँ से चली गई और कुछ समय बाद श्रावण के दिनों में नाग कन्याएं गणेश पूजा के लिए आईं। फिर सभी नाग कन्याओं ने गणेश पूजन करके उस बालक को पूरी व्रत विधि बता दी। उसके बाद बालक ने 21 दिन तक श्री गणेश जी का व्रत किया। तभी गणेश जी ने उस बालक को दर्शन दिए और कहा, मैं तुम्हारे व्रत से प्रसन्न हूँ, मांगो तुम्हें क्या वर चाहिए। बालक ने कहा, भगवान, मेरे पैरों में इतनी शक्ति दे दो कि मैं कैलाश पर्वत पर अपने माता पिता के पास पहुंच जाऊं और वे मुझसे प्रसन्न हो जाएं। तभी गणेश जी तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद बालक भगवान शिव के पास पहुंच गया। फिर शिव जी ने उससे पूछा कि तुम यहाँ तक कैसे आए। तब बालक ने शिव जी को सारी कथा सुना दी और बालक की कथा के अनुसार भगवान शिव ने 21 दिन तक लगातार श्री गणेश का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से पार्वती जी के मन में स्वयं महादेव जी से मिलने की इच्छा जागृत हुई और वे तुरंत ही कैलाश पर्वत आ गई थी। वहां पहुंचकर पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, हे भगवान, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिसके फल स्वरूप मैं आपके पास भागी भागी आ गई हूँ। शिव जी ने गणेश व्रत का सारा वृतांत उनको सुनाया। तब माता पार्वती ने अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा से 21 दिन लगातार व्रत करके 21-21 का संख्या में दूर्वा, पुष्प तथा लड्डुओं से गणेश जी की पूजा की। तत्पश्चात 21वें दिन कार्तिकेय जी खुद ही माँ पार्वती जी से मिलने आ गए। उन्होंने भी माँ के मुख से इस व्रत की महिमा सुनी। कार्तिकेय जी ने ये व्रत ऋषि विश्वामित्र जी को बताया। विश्वामित्र जी ने ये व्रत करके गणेश जी को प्रसन्न किया और ब्रह्म ऋषि होने का वर मांग लिया। गणेश जी ने उनकी मनोकामना पूरी की। इसी के साथ हमारी ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। उम्मीद है आपको ये वीडियो बेहद पसंद आई होगी। ऐसी ही नई नई वीडियो को देखने के लिए आर ज्ञान चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।
धन्यवाद।